हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। और मेरा नाम अनिकेत पाठक है। बहुत सारे बच्चे हमको जानते होंगे और जो बच्चे नहीं जानते होंगे वो जान जाएंगे। मेरा नाम अनिकेत पाठक है। मैं आपका मैथ से रिलेटेड आज प्रश्नावली 4.2 को लेकर आए हैं प्यारे बच्चों। और जल्दी से इस क्लास को शेयर कीजिएगा और आज प्रश्नावली 4.2 को पूर्ण रूप से हम लोग समाधान कर लेंगे। तो आइए, इस क्रैश कोर्स में, टॉप 10 के क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। चलते हैं, हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर एक दिया है, द्विघात समीकरण को हल करना है, मूल ज्ञात करना है। तो मूल क्या है? पहला सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर कितना है? 0 है प्यारे बच्चों। दूसरा क्या है, आप देख सकते हैं, दूसरा आप लगा सकते हो डियर स्टूडेंट। तो हम लोग तीसरे को ले लेते हैं। इसका तीसरा क्या है? अंडर रूट 2x स्क्वायर, फिर प्लस कितना है? 7x प्लस कितना है? 5 अंडर रूट 2 बराबर कितना है? 0 है। ठीक, तो आइए इन दोनों सवालों को हम लोग देखते हैं डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्या करना है? मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से इसका गुणनखंड कर दीजिए प्यारे बच्चों। तो गुणनखंड आप कक्षा 9 में ही सीखे होंगे क्या होता है नियम। आप यहाँ देखिए 10 है, इस 10 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए, इस 10 का ऐसा गुणनखंड कीजिए प्यारे बच्चों कि जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए? 3 आ जाए। तो आप सोचिए, इस 10 का गुणनखंड करना है तो 10 का गुणनखंड यही पॉसिबल है, 5 गुणे 2। तो 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हमको माइनस 3 चाहिए, तो माइनस 5 में से प्लस 2 घटा देंगे। यानी डियर स्टूडेंट, इसे हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस पाँच प्लस 2, और क्या कर दिए? x लगा दिए प्यारे बच्चों। या तो आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, इस 3x को लिखा जा सकता है माइनस 5x प्लस कितना कर दिए? 2x कर दिए प्यारे बच्चों। ये कितना है? माइनस 10 है। बराबर कितना है? 0 है। आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है प्यारे बच्चों? x कॉमन है, क्या हो जाएगा? x माइनस 5 हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? प्लस 2 कॉमन है। तो यहाँ x माइनस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है प्यारे बच्चों? x माइनस 5 और बचा क्या? x प्लस 2, ये बराबर क्या हो गया? 0। एक बार x माइनस 5 बराबर 0 करोगे तो x बराबर कितना आएगा? 5 आएगा। फिर एक बार क्या करोगे? x प्लस 2 बराबर 0 रखोगे तो ये 2 उधर चला जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 2। तो मूल क्या आ गए? इनके जो मूल आ गए वो 5 और क्या आ गए? माइनस 2 आ गए प्यारे बच्चों। इस प्रकार इनके मूल आ गए। अब आइए उनको देखते हैं। तीसरा सवाल दिया स्टूडेंट क्या है कि आप देखिए यहाँ पर 1 नहीं अंडर रूट 2 है। तो सबसे पहले इनका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 गुणे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 है, तो इनका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 5 दूनी 10, कितने आ गए प्यारे बच्चों? इसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आ गए। फिर से आप इनको समझिएगा कि अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से किए तो 2 हो जाएगा, या 2 दूनी 4, 4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे प्यारे बच्चों। आप फिर से समझिएगा, इस 10 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जिसको जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए? 7 आ जाए। तो प्यारे बच्चों 5 दूनी कितना होता है? 10। तो 5 और 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 7। यानी यहाँ अंडर रूट 2x स्क्वायर, इस 7x को तोड़ के 5x प्लस क्या कर दिए? 2x, और ये प्लस कितना है? 5 अंडर रूट 2 बराबर कितना आ गया? 0। अब आप देखिए प्यारे बच्चों, इन दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो आप x कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? अंडर रूट 2x बचेगा। यहाँ पर x बाहर आ चुका है, क्या बचा है? 5 बचा है प्यारे बच्चों। आप फिर से देखिएगा, अब यहाँ से किसी भी ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 बराबर 2। तो जब इस 2 को हम लोग इस रूप में लिखेंगे तो यहाँ से 1 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 कॉमन हो जाएगा। जब 1 अंडर रूट 2 बाहर कर लेंगे तो यहाँ अंडर रूट 2x बच जाएगा, और यहाँ क्या बचा? 5 बचा, बराबर 0। देखिए प्यारे बच्चों, दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में ये और ये दोनों में है, तो यहाँ एक बार कॉमन हो जाएगा तो अंडर रूट 2x प्लस 5 आ जाएगा प्यारे बच्चों, और क्या बच गया? x प्लस अंडर रूट 2।
बराबर क्या हो गया जीरो। एक बार ये वाला जीरो के बराबर कर देंगे तो अंडर रूट दो एक्स प्लस पाँच बराबर जीरो, पाँच उधर चला जाएगा तो अंडर रूट दो एक्स बराबर कितना आ गया माइनस पाँच आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस पाँच। और ये इधर आ जाएंगे एक्स बराबर माइनस पाँच बटे कितना आ गया अंडर रूट दो, ये एक्स की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों। फिर अब हम क्या करेंगे, यही एक्स प्लस अंडर रूट दो बराबर जीरो रखेंगे, अंडर रूट दो उधर चला जाएगा तो एक्स बराबर कितने आ गए माइनस अंडर रूट दो, तो इनके जो मूल है वो माइनस पाँच बटे अंडर रूट दो और अंडर रूट दो हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार इसका आप तीसरा खंड लगा सकते हैं, तीसरा खंड क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, तीसरा है दो एक्स स्क्वायर, क्या है दो एक्स स्क्वायर माइनस कितना है एक्स है और प्लस एक बटे आठ बराबर कितना है जीरो है। तो प्यारे बच्चों ज़्यादा दिक्कत नहीं है इस सवाल में, ये आठ आपसे आठ देखकर आप डरिएगा मत प्यारे बच्चों, इस आठ का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए तो आठ दूनी कितना हो जाएगा सोलह एक्स स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो माइनस आठ एक्स, जब आठ का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आठ आठ कट जाएगा प्लस कितना आ जाएगा एक आ जाएगा बराबर जीरो। या तो आप लिख सकते हैं आठ से गुणा करने पर, आठ से गुणा करने पर। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ सोलह गुणे एक यानी सोलह आ गया, अब इस सोलह का ऐसा गुणनखंड करना है जिससे जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए माइनस आठ आ जाए, तो चार चौके क्या होता है चार चौके सोलह, चार चार को जोड़ दिए कितना आ गया आठ एक्स आ जाएगा। तो लिखते हैं सोलह एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस कितना है एक बराबर जीरो। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है चार कॉमन है, फिर क्या कॉमन है एक्स, तो चार एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचा चार एक्स, यहाँ ये बाहर हो गया तो एक बचा है, इन दोनों में क्या कॉमन है प्यारे बच्चों माइनस एक कॉमन है, तो माइनस ये बाहर हो गया तो ये चार एक्स हो गया, ये यहाँ माइनस नहीं था प्लस था तो यहाँ क्या हो गया माइनस एक बराबर जीरो। तो दोनों में देखिए प्यारे बच्चों चार एक्स माइनस एक कॉमन है और बचा भी है चार एक्स माइनस एक बराबर जीरो। एक बार क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, एक बार चार एक्स माइनस एक बराबर जीरो करेंगे तो एक उधर जाएगा तो प्लस एक हो जाएगा एक्स बराबर आ गए एक बटे चार। इसी प्रकार अगला भी हो जाएगा चार एक्स माइनस एक बराबर जीरो, चार एक्स बराबर एक, एक्स बराबर एक बटे चार। तो डियर स्टूडेंट इसके मूल ये आ गए एक बटे चार और एक बटे चार। तो इस प्रकार आप समीकरण का मूल निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट अब आगे क्या करा, उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो आप प्यारे बच्चों बुक को पलटिएगा और उदाहरण एक को देखिएगा। तो उदाहरण एक दिया है पेज नंबर 79 पर, जान और जीवंती के पास दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे, जान और जीवंती दोनों के पास 45 कंचे थे। सोचिएगा ये हो गए आपके जॉन, ये आपके क्या हो गए जॉन, और ये क्या हो गए जीवंती हो गई, ये क्या हो गए जीवंती जीवंती ठीक। अब इन दोनों के पास, इनके पास कुछ गोलियां थी, गोलियों की संख्या नहीं पता है, और इनके पास कुछ कंचे थे, और सबके पास मिलके इन दोनों के पास मिला के कितने कंचे थे 45 थे। तो मान लेते हैं जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी थी x थी, माना जॉन के पास कंचों की संख्या x थी, कंचों की संख्या कितनी थी x थी, कंचों की संख्या x थी। अब बताओ दोनों मिलके 45 हैं, अगर जॉन के पास 10 होगा इसके पास कितना होगा 35 होगा, अगर जॉन के पास 15 होगा इसके स्थान पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, जॉन के स्थान पे 20 इसके स्थान पे 25। तो आप क्या कर रहे हो प्यारे बच्चों, जितना इसके पास है कुल में से इसको घटा दे रहे हो। अब बताओ जॉन के पास इतना है तो जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास
तो कुल कितने हैं, 45 है ना। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या। तो प्यारे बच्चों, जान के पास यक्ष है और कुल कितना है, 45 है। तो 45 में से जान की संख्या को घटा देंगे, 45 माइनस कितना आ गया, एक्स आ गया। आगे क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, पांच पांच कंचे खो देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पांच कंचा खोता है, ये भी पांच कंचे खोता है। तो पांच पांच कंचे खो देने पर कंचों की संख्या बची। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान से समझिएगा, तो बची कंचों की संख्या किसके पास, जॉन के पास। तो यहाँ लिख लीजिएगा, खो देने पर जॉन के पास बची कंचों की संख्या। तो प्यारे बच्चों, जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी बचेगी, एक्स था, पाँच खो दिए, तो एक्स माइनस कितना आ गया, पाँच आ गया। इसी प्रकार जीवंती के पास, किसके पास प्यारे बच्चों, जीवंती के पास बचे कंचों की संख्या। तो डियर स्टूडेंट, कहीं नहीं जाना है, भटकना नहीं है। जिस प्रकार इनमें से पांच घटा दिए, उसी प्रकार जीवंती के पास जितना था उनमें से घटा देंगे। तो जीवंती के पास कितना था, 45 माइनस एक्स था, और कितना खो दी, पाँच। 45 में से पाँच घटा दिए तो 40 माइनस एक्स आ गए। तो डियर स्टूडेंट, प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, आगे कह रहे हैं कि पांच पांच कंचे खो देने पर दो कंचों की संख्याओं का गुणनफल 124 हो जाता है। कंचों की संख्याओं का गुणनफल, तो कंचों की संख्या क्या है, एक्स माइनस पाँच है, और यहाँ कितना है, 40 माइनस एक्स है, दोनों का गुणनफल 124 हो जाता है। तो ये प्रश्नानुसार x का मल्टीप्लाई इससे किए कितना आ गया, 40x, x का मल्टीप्लाई इससे किए माइनस एक्स स्क्वायर, अब 5 का मल्टीप्लाई इससे करें तो माइनस 40 पंचे कितना हो जाएगा, 200। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5x बराबर कितना, 124। 40x और 5x जोड़ दिए कितना आ गया, 45x आ गए। और प्यारे बच्चों, पहले आप माइनस एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, फिर 40 और 5 जोड़ दिए, 45x, ये माइनस 200 है, ये इधर आएंगे तो 124 बराबर कितना हो गया, 0। डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए, इनको हल कीजिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना, 45x, इनको जोड़ देंगे तो माइनस 324 बराबर 0। आगे माइनस है तो माइनस हटा दीजिए, तो माइनस से भाग देने पर तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे आपके, प्लस 324 बराबर 0। डियर स्टूडेंट, अब आपको इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है, तो आप गुणनखंड कीजिए डियर स्टूडेंट। अब आप करेंगे क्या कि 324 है प्यारे बच्चों, क्या है, 324 है, और आपको प्यारे बच्चों 324 का गुणनखंड ऐसे करना है कि जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, 45 आ जाए प्यारे बच्चों। तो आप सोचिए क्या करेंगे कि जिसको हम लोग ऐसा कर दें कि ये आ जाए 324। तो प्यारे बच्चों, 324 इतना बड़ा अंक नहीं है कि जो आपको न आ जाए। तो यही दिक्कतें आती हैं कि सर लोग कैसे जान जाते हैं कि इनका फैक्टराइजेशन करने पे, इनको जोड़ने घटाने पे 45 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग सीखते हैं। तो 324 है, ऐसे लिख लीजिएगा 324, इसका फैक्ट गुणनखंड कर दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, फिर 2 से भाग दोगे, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, फिर आप क्या करोगे, 3 से भाग दोगे तो 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, फिर 3 × 9 कितने आ गए, 27 आ गए प्यारे बच्चों, यहीं छोड़ दो, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, ये पूरे 36 हो गए, और ये 9, 36 और 9 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 45 आ जाएगा, और 36 और 9 यही तो हमको चाहिए, तो 36 और 9 जोड़ दोगे क्या आ जाएगा, 45, और 36 और 9 गुणे कितना हो जाएगा, 324। तो जो चाहिए था मिल गया प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 36x माइनस कितना हो जाएगा, 9x, 36 9 45,
और प्लस कितना है 324 बराबर जीरो। देखिए दोनों में क्या कामन है प्यारे बच्चों, एक्स कामन है, तो एक्स माइनस कितने हो गए 36 हो गए। इन दोनों में क्या कामन है, माइनस 9 कामन है, तो यहाँ क्या बचा, केवल एक्स बचा, ये माइनस कॉमन किए तो यहाँ माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब ये 9 से भाग दोगे तो 36 आएगा, यहाँ 9 कॉमन है, 9 से भाग दोगे 36 बराबर जीरो। दोनों में क्या कॉमन है प्यारे बच्चों, एक्स माइनस 36, तो अगले में क्या बचा, एक्स माइनस 9 बराबर जीरो। एक बार x माइनस 36 को जीरो के बराबर करेंगे तो ये 36 उधर गए तो प्लस 36 हो गए प्यारे बच्चों। एक बार x माइनस 9 बराबर जीरो करोगे, माइनस 9 उधर गए तो क्या आ गए, प्लस 9। यानी अगर जॉन के पास 36 गोली होगा तो जीवंती के पास 9 गोली होगा, यदि जॉन के पास 9 गोली होगा तो जीवंती के पास 36 गोली होंगे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आप गोली की संख्या निकाल सकते हैं। तो ये रहा दूसरे का पहला नंबर डियर स्टूडेंट, दूसरे का प्यारे बच्चों दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या कर रहा है, एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है और प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है और कुल लागत 750 है, तो खिलौने की संख्या ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से सवाल को पढ़िएगा आप लोग, क्या कर रहा है, एक कुटीर उद्योग के में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित होते हैं, तो माना एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या, खिलौने की संख्या क्या है, x है, खिलौने की संख्या क्या है, x है। फिर क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो खिलौने का मूल्य तो प्यारे बच्चों प्रत्येक खिलौने का, किसका, प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है या जो लागत है वो बोल रहे हैं 55 रुपये में से एक दिन निर्मित खिलौने की संख्या के माइनस के बराबर होगी, के घटाने के, एक दिन में कितना निर्मित किए, एक्स, यानी प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 माइनस क्या है, एक्स है, और कुल लागत कितना है प्यारे बच्चों, कुल लागत 750 रुपये है, कितना है 750। तो आपको निर्मित खिलौने की संख्या बताना है। तो प्यारे बच्चों जैसे एक केले का दाम 10 रुपये है और आपसे 20 केले पूछ रहे हैं, तो 20 का मल्टीप्लाई 10 से कर दोगे 200 रुपये आप बताओगे, उसी प्रकार एक खिलौने की कीमत इतना है, तो आपको एक खिलौने की कीमत इतना है और खिलौने की संख्या इतनी है, कुल लागत कितना आया है ये है, तो कुल लागत बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्नानुसार क्या होगा, ये कुल लागत इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, तो x फिर 55 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 750, मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का मल्टीप्लाई x से करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इससे कर दोगे तो प्लस 55x आ जाएंगे बराबर 750। अब प्यारे बच्चों इनको आप इधर ला दीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x ये इधर आएंगे तो माइनस 750। प्यारे बच्चों उधर कुछ नहीं बचा, जीरो। आप क्या करेंगे, माइनस से भाग दे देंगे, माइनस को हटाने के लिए जब माइनस से भाग दोगे तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 55x और ये प्लस कितना आ गया 750 बराबर जीरो। प्यारे बच्चों अब 750 का ऐसा गुणनखंड करना है जिसको जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए 55, तो 35 का गुणा 20 से करोगे तो प्यारे बच्चों 35 और 20 जोड़ दोगे 55 आ जाएंगे और आपके 750 भी आ जाएंगे। इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 55 है, इसे 30x और माइनस 25x प्लस 750 बराबर जीरो। प्यारे बच्चों इस 750 का ऐसा गुणनखंड करना है जिसको जोड़ने या घटाने पे 55 आ जाए, तो 30 और 25 जोड़ने पे आपके क्या आ जाएंगे प्यारे बच्चों, 55 आ जाएंगे। 30 और 25 का गुणा करोगे 750 आते हैं डियर स्टूडेंट। अब क्या करना है,
दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, तो एक्स माइनस 30 बच गए। और इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 25 कॉमन है, तो क्या बच गए, एक्स बचा है और माइनस कितना बचा है, 30 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है, एक्स माइनस 30 कॉमन है, क्या कॉमन है, एक्स माइनस 30, और क्या कॉमन है, एक्स माइनस 25 बराबर 0। एक बार एक्स माइनस 30 बराबर 0 रखोगे, एक्स बराबर 30, और एक बार एक्स माइनस 25 बराबर 0 रखोगे, एक्स बराबर 25। या तो एक दिन में 30 खिलौने निर्मित किए जाएंगे, या तो एक दिन में कितने खिलौने निर्मित किए जाएंगे प्यारे बच्चों, 25 खिलौने निर्मित किए जाएंगे। तो इस प्रकार आप दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि आप क्रैश कोर्स के दौरान हो। तीसरे सवाल पे हम लोग चलते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। तीसरा नंबर, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या है, 27 है। माना एक संख्या क्या है, माना प्रथम संख्या क्या है, एक्स है। प्रथम संख्या क्या है, एक्स है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, दूसरी संख्या दोनों कितना है, 27 है ना प्यारे बच्चों। अब सोचो दो संख्याएं मिलके, एक संख्या मान लीजिए दो संख्याएं मिलके 54 है, एक संख्या अगर हम बता दें 30 है, अगली संख्या आप 24 ऑटोमेटिक बता लोगे। तो आपने क्या किया कि इनमें से इसको घटा दिए ना, तो एक संख्या x है और दोनों मिलके 27 है, तो दूसरी संख्या 27 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि दोनों का गुणनफल क्या है, 182 है इन दोनों का गुणनफल। तो प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल क्या है, इन दोनों का गुणनफल क्या है, 182 है। तो इन दोनों का गुणनफल 182 है। x का मल्टीप्लाई x से करोगे तो क्या आ जाएगा, 27x। इनका इससे करोगे माइनस x, इसका बराबर कितना, 182। तो डियर स्टूडेंट इनको इधर लाएंगे, इनको पहले लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना है, 27x। ये इधर आए तो माइनस 182 बराबर 0। माइनस से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। माइनस से भाग देने पर जब माइनस से भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस 27x आ जाएंगे, ये 182 बराबर, प्लस 182 बराबर क्या हो गया, 0। तो डियर स्टूडेंट फिर से जैसे आपने इससे पिछले वाले सवाल में गुणनखंड किया था, उस प्रकार हम लोग यहाँ 182 का गुणनखंड करेंगे, जिससे घटाने पर क्या आ जाए, जिसको घटाने या जोड़ने पे 27 आ जाए। तो आप 13 और 14 को करिए, 13 गुणे 14 करेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 इक्के 4 और 4 एक 5, फिर 3 इक्के 3 और यहाँ 1 तिहाई 3, 1 इक्के 1, ये 2 कर दिए, 5 3 8, 182 आ गए। यानी हमको वो कॉम्बिनेशन मिल गया, 13 और 14 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा डियर स्टूडेंट। तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, क्या बचा, x माइनस 13 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 14 कॉमन है, तो यहाँ x बचा, यहाँ माइनस कॉमन लिए तो माइनस हो गया, 14 13 में 182। प्यारे बच्चों एक बार दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 13, फिर बचा क्या है, x माइनस 14 बराबर 0। एक बार x माइनस 13 बराबर 0 रखोगे, 13 को उधर कर देंगे तो x बराबर क्या आ गया, 13 आ गया। एक बार x माइनस 14 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर कितना आ गया, 14। तो डियर स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रथम संख्या अगर 13 होगी तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। और अगर पहली संख्या 14 होगी तो पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या 13 हो जाएगी प्यारे बच्चों। इस प्रकार आपका ये तीसरा नंबर भी कंप्लीट हो जाता है। आइए चार नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो दो धनात्मक, तो माना दो धनात्मक पूर्णांक, माना दो धनात्मक पूर्णांक, एक क्या है, x है, और एक x प्लस 1 है। यह प्रश्न अनुसार
प्रश्नानुसार इन दोनों वर्गों के योग किसके बराबर है, 365 के बराबर है। इन दोनों का वर्ग करिए और जोड़ दीजिए, वो किसके बराबर हो जाएगा, 365। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर आ गया, इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दीजिए, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक आ जाएगा प्लस 2x बराबर कितना, 365। एक्स स्क्वायर जुड़ गया, 2x² आ गए, प्लस कितना आ गया 2x, ये प्लस कितना है एक है, ये इधर आए तो माइनस 365 बराबर 0। 2x² आ गए प्लस कितना है 2x, इनमें से एक माइनस कर दिए तो 364 बराबर क्या आ गया, 0। तो डियर स्टूडेंट आप दो से भाग देना चाहते हो तो भाग दे दीजिए, तो दो से भाग देने पर, तो दो से भाग दोगे, दो से कैंसिल, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ भी दो कैंसिल, एक्स यहाँ दो, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भाग दोगे तो 182 आ जाएंगे बराबर क्या, 0। तो प्यारे बच्चों इससे पिछले वाले सवाल में ही आप लोगों ने इसका गुणनखंड किया था, आप केवल अंतर वहाँ था कि यहाँ वहाँ 27 था, यहाँ एक लाना है। तो प्यारे बच्चों 182 का गुणनखंड ऐसा किया जाए कि जिसको जोड़ने या घटाने पर एक आ जाए, तो 14 13 में 182 और 14 में से 13 को घटा देंगे क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। चाहे तो आप कर सकते हो एक्स स्क्वायर 14x माइनस क्या कर दोगे 13x, 14 में से 13 घटाओगे 1x आ जाएगा, 14 13 में 182, तो माइनस 182 बराबर 0। यहाँ x कॉमन है, x प्लस कितना आ गया 14 आ गया प्यारे बच्चों, और यहाँ माइनस 13 कॉमन है तो x प्लस कितना आ गया 14 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 14, अगले में x माइनस 13 बचा बराबर 0। एक बार x प्लस 14 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस 14 आ जाएगा, और एक बार x माइनस 13 बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 13। तो जो आपका मान्य होगा ये आपका मान्य है और ये आपका क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। यानी एक संख्या 13 होगी, दूसरी संख्या 14 होगी। एक संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों, 13 होगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं। ये चार नंबर हो गए प्यारे बच्चों। चलिए पांचवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ये हो गए समकोण त्रिभुज। ठीक, क्या कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर, आधार क्या मान लिए, x मान लिए, आधार क्या मान लिए, x मान लिए। ठीक, अब जो इसकी ऊंचाई है ये इससे 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है, इससे 7 सेंटीमीटर, तो x में से 7 आपने कम कर दिए। और कह रहा है कि ये कण इनका क्या है, 13 है। कण क्या है, 13 है। कण क्या है प्यारे बच्चों, 13 है। नाम देना चाहो ए बी सी, कण कितना है, 13 है। तो आपको इन दोनों भुजाओं को ज्ञात करना है, ए बी और बी सी को फाइंड आउट करना है। तो माना आधार क्या है, एक्स है, आधार क्या है, एक्स है। तो लंबा और ये जो ऊंचाई है वो एक्स माइनस 7 हो गया प्यारे बच्चों। तो पाइथागोरस प्रमेय से, कौन से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग प्यारे बच्चों, कर्ण का वर्ग, या लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग। तो लंब का वर्ग प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग। प्यारे बच्चों लंब यहाँ कौन है, x माइनस 7 है, और आधार कौन है, x है, और कर्ण कौन है, 13 है प्यारे बच्चों। इसका वर्ग कर दिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल देंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 7 का वर्ग करोगे 49, फिर हल करोगे तो माइनस 14x आ जाएंगे। ये प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग करोगे 169 आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़ दिए कितना आ गया, 2x², फिर माइनस कितना है, 14x है। ये प्लस कितना है, 49 है। कितना है प्यारे बच्चों, 49 है। ये इधर आ जाएंगे तो माइनस 169 बराबर 0। इनको घटा देंगे तो इनको घटाएंगे तो लगभग इनमें घटाएंगे तो 120 आ जाएगा। 2x² माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। प्यारे बच्चों
दो से आप भाग दे सकते हैं, तो दो से भाग देने पर जब दो से भाग दोगे तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएंगे, ये माइनस सात एक्स, ये माइनस साठ बराबर क्या आ गए जीरो। तो प्यारे बच्चों 60 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जिसको जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए प्यारे बच्चों 7 आ जाए। तो सोचो 60 का गुणनखंड कैसे किया जाए कि जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए 7 आ जाए प्यारे बच्चों। तो 60 का गुणनखंड, तो 60 का गुणनखंड किया जाए तो आप ऐसे कीजिएगा, दो 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, फिर 3 पच्चे 15, तो 2 दूनी 4 तेइयां 12, 12 में से 5 घटा दोगे तो 7 आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 12x प्लस 5x और माइनस कितना है 60 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या है x, यहाँ x कॉमन है तो क्या बचा x माइनस 12, और इन दोनों में क्या कॉमन है 5, तो यहाँ x माइनस क्या आ गया 12 बराबर 0। तो देखिए प्यारे बच्चों दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 12, एक में x प्लस 5 बराबर क्या आ गया 0। एक बार x माइनस 12 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 12, एक बार x प्लस 5 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 5, यानी जो आपका आधार होगा वो 12 होगा और जो लंब होगा वो क्या होगा 5 होगा। तो आधार क्या प्यारे बच्चों, आधार, आधार बराबर x था, x बराबर 12 आ गए, और लंब, तो लंब है भैया x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 बराबर कितना आ गया 5। तो इस प्रकार आप इसको लगा सकते हो डियर स्टूडेंट। तो पांचवा नंबर भी आपके क्या हो गए कंप्लीट हो गए। लास्ट क्वेश्चन है इस अध्याय का छठवां नंबर। चलिए डियर स्टूडेंट छठवां नंबर क्या है, छठवां नंबर कह रहा है एक कुटीर उद्योग है एक दिन कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। अभी इससे ऐसा आपने सवाल लगाया था तो माना एक दिन में निर्माण किए गए, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, किए गए बर्तनों की संख्या क्या है x है, ठीक प्यारे बच्चों। और लागत, प्रत्येक नग की लागत, इस बर्तन में नग लगाए गए तो उस नग की लागत है, तो प्रत्येक नग की लागत प्यारे बच्चों क्या कह रहे हैं, उस दिन जिस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या x है, कह रहा है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, तो उस दिन निर्माण किए गए बर्तन कितने हैं x है, x का दुगना 2x से 3 अधिक है, 2x प्लस 3 हो गए। तो प्रत्येक नग की लागत ये हो गई, बर्तनों की संख्या x है, करें कुल निर्माण लागत 90 है, तो बर्तनों की संख्या बताना है, तो कुल लागत कितना है 90 है, कुल लागत कितना है 90 है। तो प्यारे बच्चों अभी आपने ऐसा सवाल लगाया था कि ये कुल लागत इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार, तो इन दोनों का गुणनफल तो 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई इंटू कितना हो जाएगा x बराबर कितना 90, x का गुणा इससे करोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा यहाँ करोगे तो 3x बराबर कितना हो गया 90, 90 इधर आ गए तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0 प्यारे बच्चों। अब आप 90 का ऐसा गुणनखंड करो जिसको जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए आपके आ जाए प्यारे बच्चों 3। तो सोचो क्या करोगे कि जिसको जोड़ने या घटाने पे 3 आ जाए, सोचो 90 का, सॉरी 90 का नहीं, 90 दूनी 180, 180 का गुणनखंड ऐसा करो जिसको जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए 3 आ जाए प्यारे बच्चों। अब आप सोचिए किसका करोगे, 12 और 15 सोचिए, अब कहोगे सर आप कैसे जानगे, अरे हमने बताया 180 की, आप इसका गुणनखंड करोगे 90 आ जाएगा, फिर करोगे 45 आ जाएगा, फिर भैया 3 से करोगे 15 आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, और 15 और 12 का कॉम्बिनेशन बन गया, 15 और 12 में से 3 घटा 12 घटा देंगे 3 आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x और माइनस 90 बराबर क्या हो गया 0। प्यारे बच्चों दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, तो 2x प्लस 15 आ जाएंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस 6 कॉमन है, क्या कॉमन है
माइनस छः कामन है प्यारे बच्चों, तो यहाँ दो एक्स बच जाएगा और पंद्रह छक्के क्या हो जाएगा नब्बे बराबर जीरो। तो दोनों में क्या कामन है, दो एक्स प्लस पंद्रह कामन है और बचा क्या एक्स माइनस छः बराबर जीरो। एक बार दो एक्स प्लस पंद्रह बराबर जीरो करोगे तो ये पंद्रह उधर जाएगा तो माइनस पंद्रह, एक्स बराबर माइनस पंद्रह बटे दो। तो माइनस वाली संख्याएं क्या होंगी, अमान्य होंगी। क्यों, क्योंकि जो निर्माण किए गए संख्या होंगी वो माइनस कभी नहीं हो सकती। अब एक बार एक्स माइनस छः बराबर जीरो, तो एक्स बराबर क्या गया छः, यानी निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या है एक्स है छः है, सॉरी कितना है छः है। तो प्यारे बच्चों जरा सी आज की क्लास थोड़ी सी फास्ट पढ़ाई गई होगी, क्योंकि आपको पेपर आने से पहले हर एक चैप्टर को टच करना है और टच करने के लिए थोड़े से स्पीड को आपका एक्सीलेटर बढ़ाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो में कहीं भी आपको कोई भी डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम लोगों को पता चलता है प्यारे बच्चों कि आपको कहाँ कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। तो डियर स्टूडेंट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू प्यारे बच्चों।